आज का जो विषय जिसके बारे में हम बात करेंगे, हमारे जो ताल्लुक होते हैं है ना, चाहे वो खून के ताल्लुकदार हैं चाहे वो रिश्तेदारी है, वो कहीं ना कहीं हमारा जीवन कैसे चलेगा उनके साथ जो रिश्ता होता है वो कहीं ना कहीं दर्शा देता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आज बड़ी पते की आपको बात बताने जा रही हूँ, क्योंकि कई बार हमारे जहन में कुछ चीज़ें रह जाती हैं। जहन में क्या रह जाती हैं कि यार ऐसा क्या है कि हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, ऐसा क्या है लोगों के दादा दादी नाना नानी को सुख मिलता है, बाप दादे का सुख मिलता है, हमको वो बाप दादे का सुख नहीं मिलता, हमको वो बुआओं से प्यार नहीं मिलता, हमको मामों का साथ नहीं मिलता, मामा होते हुए भी क्या बताएं कि एक सपोर्ट ही नहीं है। इंसान के सर पे अगर बाप नहीं है तो अगर मामा है तो मामा, एक इंसान चाहेगा ना यार मामा जैसे बाप है, मेरा ताया जो है मेरा ताया मेरे साथ वैसा सलूक करे जो एक बाप को करना चाहिए था। ठीक है उतनी पैसे से नहीं करे, कम से कम एक इंसान यही पूछ ले कि तू कैसी है, तू कैसा है। होता है भैया जीवन में बहुत कुछ होता है, बट चलो खैर रिश्ते। आज ये टॉपिक मैंने इसलिए उठाया है, कितने लोगों के पास उनकी पत्री नहीं होती, कितने लोगों के पास उनकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता। अब अगर हमको पता है कि हमारा रिश्ता यहाँ पर बिगड़ रहा है या हमारे को उस रिश्ते ने कभी कुछ दिया ही नहीं, हमारे उस रिश्ते ने हमको कहीं ना कहीं कहते हैं ना कहीं का नहीं छोड़ा, तो उससे हम क्या देख कर अपने उपाय कर लें ताकि हम अपने जीवन में जो प्रयास कर रहे हैं, हम अपने जीवन में जो संघर्ष कर रहे हैं वो संघर्ष कहीं ना कहीं कटे, हमको एक मार्ग मिले, हमारे जीवन का एक पर्पस बने, मैं ये मानती हूँ। तो आज मैं इसी चीज़ के बारे में बात करने जा रही हूँ। मैं दुश्मन लोग नहीं होते, हमेशा याद रखना, दुश्मन लोग हो ही नहीं सकते, दुश्मन आपके खुद के ग्रह हैं। पहली चीज़ जैसे मैंने अभी आपको बोला, जैसे मामों के साथ है ना, मामा के साथ अगर आपकी दुश्मनी है, आपका 36 का आंकड़ा है, मामे ने कभी सपोर्ट किया नहीं, तो आप ये मान के चलिएगा और ये आप लिख के ले लीजिएगा कि आपका चंद्रमा आपके टेवे में या तो वो राहु केतु शनि के साथ ग्रसित होगा या दृष्टि मिलान, या तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे केपी सिस्टम के हिसाब से 12, 8 और 6 घर का संबंध बनाओ। और अब मामे से तो चलो जो चीज़ है वो ताल्लुक कभी बना ही नहीं, लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी में झांक कर देखें तो वो क्या है, हमको भी प्रॉपर्टी का सुख, हमको भी वाहन का सुख, हमको भी सेविंग्स का सुख, रुपए पैसे, वो कहते हैं ना फ्लक्चुएशन हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं लगी रहती है और लगेगी, लिख के ले लो। बुआ के साथ उपाय मैं बताऊंगी, वो घबराने की बात नहीं है, अभी सिर्फ आपको बता रही हूँ, आपको मैं सिम्टम बता रही हूँ, आप मैं चाहती हूँ आपके अंदर ये पते की नॉलेज आनी चाहिए, फोका फाकी फालतू की चीज़ों से बात नहीं करनी, कितनी चीज़ें हमें ज्ञान भी तो बटोरना है, हम आज हमारे पास ज्ञान है, कल को हम दूसरे को रास्ता दिखा पाएंगे, हो सकता है परमात्मा ने हमको ये सोल पर्पस दिया हो, सीधी बात है। बुआ के साथ कभी ताल्लुक नहीं बने है ना, बुआ का जो हस्बैंड है, बुआ के बच्चे हैं, 36 का आंकड़ा रहा है, या कुछ ना कुछ हमेशा एक नेगेटिविटी एक इंसान क्रिएट करके रखता है, इसका क्या मकसद है, इसका क्या मतलब है। आपका मंगल, आपका बृहस्पति, आपका बुध, ये 3 ऐसे ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होकर बैठे होंगे। अगर ये नेगेटिव होकर बैठे हैं तो क्या होएगा, क्या आपको सक्सेस मिलेगी, मिलने में मुश्किल, चलो मिल गई, सस्टेन करने में मुश्किल, उसको बनाए रखने में मुश्किल, आप समझे मेरी बात को। वो कहते हैं ना राइट टाइम पे जो राइट डिसीजन लेता है वो मंगल भी कराता है, वो बुध भी कराता है, हमेशा गलत डिसीजन जाएंगे, हमेशा कुछ ना कुछ वो कहते हैं ना अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लमें आएंगी, कितनी विचित्र बात है। अच्छा मज़ेदार बात, एक बात बताऊँ, भाइयों से नेबरहुड से कभी बनेगी नहीं, अच्छा चलो बन गई, खटर पटर। अब इसमें दुनिया गलत है तो दुनिया तो पैदा ही गलत होगी, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी ठीक नहीं। अब ये वाले हालात जो बनते हैं वो क्यों बनते हैं, अगर पांचवे भाव के इर्द गिर्द आपका अगर केतु बैठा है, पांचवे अगर वृश्चिक राशि का केतु है, अगर पांचवे भाव में कहीं ना कहीं पांचवे भाव के इर्द गिर्द उन खानों के इर्द गिर्द या पांचवे भाव में केतु बैठा है तो क्या होगा,
इंसान की ना खुद की भी नेचर गलत हो जाएगी। देखो बुरा मत मानना है ना, छोटी छोटी चीज़ों पे नुक्स निकालेगा, ज्ञान देखने के देने के लिए बैठ जाएगा। अब एक इंसान बोल रहा है कि हाँ देख भाई मैंने ना ये किया ये किया, अच्छा तूने ये किया तू ऐसे ही कर लेता, तू वैसे ही कर लेता। अब जैसे अगर एक दीवार है ना, दीवार खड़ी करी हुई है, बाजू में वाला घर है और ये वाला घर है, थोड़ी भी टीवी की आवाज़ आ जाएगी घंटी मार देंगे, हाँ ये तुमने ये क्या आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है 7 बज गए शाम के आप टीवी लगा कर बैठे हो। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, क्योंकि मैं तो उपाय बताने के लिए ही बैठी हूँ, मैं तो उपाय बताने के लिए पैदा हुई हूँ भैया। वो तो हम मान गए, वो तो आप भी जान गए, लेकिन हमारा भी तो बिहेवियरल पैटर्न है, हो सकता है मेरे अंदर कुछ कमी हो, तो मैं उपाय तो करूंगी, ग्रह को काबू में करूंगी, लेकिन अपने को अगर मैंने काबू में नहीं किया तो क्या बात बनेगी, नहीं बनेगी ना बाबू। थोड़ा बिहेवियरल पैटर्न में चेंजेस तो डालने ही पड़ेंगे। देखो और यही मंगल केतु आगे जाकर नेबरहुड के साथ दिक्कत दे देगा, भाई के साथ दिक्कत दे देगा, उसके बाद यही बाहर धोखे दिलवाएगा, बाहर कहीं ना कहीं कोर्ट केस लिटिगेशन, ये फलान ढिमकान फलाने मुसीबतों के साथ आपका द्वार खटखटाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये छोटी छोटी चीज़। अच्छा बड़ी मज़ेदार बात और सुनो मज़ेदार बात सुनो, जिसका कोई आपके साथ लेना देना ही नहीं है, लेना देना कुछ नहीं है, वो आपके पीछे बड़ा हुआ है। अबे तू है कौन, अरे तू है कौन भाई, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, आपका उसके साथ कोई कुछ लेना देना ही नहीं है, वो फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी के द्वारा आपके लिए संकट के द्वार खोल के रखता है। अब ये किस कारण है, ये मंगल की वजह से। और मैं एक आपको बात बता दूं, अपने समझ के एक बात बता रही हूँ, जब मंगल की स्थिति आपके टेवे में अगर बहुत ख़राब है ना, और बाबा ये तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, क्या होगा ना, आप जिसकी मदद करोगे ना वो आपके मुंह पे जूता मारेगा, जिसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ोगे वो आपको धोखा देगा। वो भी देखो कौआ जी भी बोल रहा है, बिल्कुल ठीक कह रही शैना सेठ है कि नहीं कहता हाँ क्यों भाई है कि नहीं, हाँ समझ रहे हैं पाशा लोग, समझ रहे हैं, आए ठीक कह रही गलत, हाँ समझ गए मेरी बात। तो ये जो मंगल जब आपकी टोटल खराब स्थिति में आ जाए, ठीक, वो तो मतलब क्या बताएं, आप जिसकी मदद करोगे, जिसको आप, मैं कह रही आज किसी को अप्रिशिएट कर दो, हाय ये तो कितना अच्छा है, अगले दिन ही वो ऐसा आपके लिए वो कितना जहर उगलेगा कि क्या बताएं। आप किसी के साथ अच्छा कर लो, और एक पॉइंट पे ना एक इंसान को कितना चीटेड फील होता है ना अपने लाइफ के साथ, इतना वो कड़वा हो जाता है अपने खुद के लिए, दूसरों के लिए तो क्या ही होगा, दूसरे के लिए तो बिछे जा रहा है, दूसरे के लिए तो करे जा रहा है, वो करे जा रहा है, अपने को ख़त्म करके भी कर रहा है, वो करे जा रहा है, लेकिन सामने वाले अगर ऐसे बर्ताव करे तो एक पॉइंट पे इंसान ने अपने लिए अपनी लक्ष्य के लिए कुछ करना ना वो कर नहीं पाएगा। बट खैर मैं आपको पाए बता रही हूँ, इन चीज़ों को आप ना लाइटली नहीं लेना बाबा, क्योंकि ये रिश्ते नहीं है, ये आपके ग्रह हैं। तो जब रिश्तों में ये वाली चीज़ें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रही है, तो अपने लाइफ को कहीं ना कहीं हम सुधारेंगे। अब सबसे पहली चीज़ मैं क्या चाहती हूँ आप कर रहे हो, आपने मिट्टी का एक हांडी सी ले लेनी है, उसके अंदर देसी खांड भरना है, उसको लाल कपड़े से उसका मुंह ढकना है, मंगलवार को सुबह सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीचों बीच, ठीक, आपने इसको गाड़ना है, समझ आ रही। दूसरी चीज़ जो आपने करनी है 27 दिन तक लगातार, या तो 27 दिन तक करना या तो 17 दिन तक करना, जो खोए के पेड़े होते हैं वो कुत्ते जी को खिलाना है, डॉगी जी को खोए के पेड़े खिलाने हैं, घर पे बना लो, मीठा कम डालना, पर खोए के पेड़े, आपका जो काम में भी फ्लक्चुएशन आ रही है ना, आपका काम भी नहीं पनप पा रहा, आपके कोई कोशिशें आपकी भरपूर है एकदम, वो कहते ना लक फैक्टर साथ नहीं दे रहा, वो कहीं कोई 2 दिन काम पकड़ते हो, 3रे दिन घर बैठ जाते हो, 2 दिन लगता है कि यार काम अब मेरा कारोबार मेरा चल पड़ेगा, 3रे दिन ऐसा ठप के सामने कुछ दिखता ही नहीं, ये इसकी वजह से है, ये सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। तो 27 या 17 दिन तक खोए के पेड़े जो होते हैं, दो खोए के पेड़े विल बी इनफ। ये आपने कहीं ना कहीं कुत्ता जी को डॉगी जी को बड़े प्यार से, और भी चीज़ें खिलाओ बाबा, ये तो केतु का उच्च कोटि की चीज़ है, जो कुत्ते जी की एनर्जी होती है वही हमारे केतु को कितना भी खराब है सबल प्रबल करेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है।
एक और चीज़ आपको बताती हूँ, अगर लाइफ में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, वाणी दोष है, आपके मुंह से भी कुछ ऐसी चीज़ें निकल जाती है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आती है कि हमने तो खुशियाँ मना दी लेकिन एंड में पता चला कि वो डील ही कैंसिल हो गई। अगर ऐसे वाले हालात हो रहे हैं, अगर जॉब आपको मिल गई, जॉब लेटर आपके पास है, फिर आपको कॉल आ गया, सॉरी अभी हम नहीं ले सकते, दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। तो अगर अनजान वो कहते ना मुसीबतें आपको घेरे हुई हैं, देन ऑल्सो देर इज अ प्रॉब्लम। क्या करेंगे, जो कोयले होते हैं ना, कोयले के अंदर कौड़ियाँ डालें आप, ठीक। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना, जब ये कौड़ियों वाला करोगे, या तो मंगलवार रात को कर लो या बुधवार रात को कर लो, आप देख लो, आपने क्या करना है, एक लोहे का आपने वो लेना है, कढ़ाई लेनी है, उसको मिट्टी से पूरा लेप कर दो, उसके अंदर कच्चे कोयले डालो, उसके अंदर आपने डालनी है कौड़ियाँ, उसको जलाने के लिए रख दो, सारी रात जलता करे रहे, और उसके बाद सुबह जाकर बहते जल में उसको प्रवाहित कर दो। बहता जल नहीं है कोई बात नहीं, चौराहे पे चुप करके रखाओ या कोई निर्जन स्थान पे, ये वाली जो चीज़ होगी वो निर्जन स्थान पे कहीं पर छोड़ के आ जाओ, वो भी चलेगा। कानों में आपने क्या, कानों में आपने सोने की, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत है, कानों में सोने का कुछ ना कुछ डाल के रखो। सोने का कानों में नहीं डाल के रख सके तो कान के पीछे आपने क्या लगाना है, कान के पीछे आपने केसर का तिलक लगाना है। घर पे आपके अमरूद का पेड़ नहीं होना चाहिए, घर पे आपके अनार का पौधा पेड़ नहीं होना चाहिए, वो क्या करेगा, वो मंगल बद को और उजागर कर देगा और आपके लाइफ में आपकी खुशियों को तबाही लाने का काम करेगा, ये तय बात के मान के चलना आप। उसको कोई बात नहीं खुड़वा कर, उसको कहीं बाहर गमले में, घर की बाउंड्री के बाहर आप जहाँ मर्जी लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान दें। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अंतर्मन हीलिंग को सब्सक्राइब करो, जो एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है। जो मैग्नीफाइड हीलिंग का कोर्स करना चाहते हैं अपना नाम लिखवा दीजिए। अगली वीडियो में बताऊंगी मैग्नीफाइड हीलिंग क्या है और कैसे हेल्प करती है 100%। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी ज़िंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय, नमस्कार।